दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद है जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग असंभव है। हम लोगों में इंसान की शुरुआत को लेकर हमेशा से सवाल आते रहे हैं। आप लोगों में भी पृथ्वी को लेकर अनेक सवाल आते होंगे, जैसे इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, इनका मानव जाति में कैसे विकास हुआ, इन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे बना यह परिवार, कैसे निर्माण हुआ समाज का, कौन थे हमारे पूर्वज और वो क्या करते थे। साथ ही दोस्तों, बल और बुद्धि का विकास हम इंसानों में कैसे हुआ। मित्रों, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। ऐसे सवाल हर इंसान के जीवन काल में आते ही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। मित्रों, आधुनिक खोजों से पता लगा है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य चार पैरों पर चला करता था और वह जंगलों में रहता था। इंसान पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वह वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। यह वानर जैसा दिखने वाला मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा व ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान में रहने लगे, लेकिन ज्यादातर पेड़ों पर ही चढ़कर रहा करते थे और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। जब इंसान ने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए चार के बजाय दो पैरों का उपयोग करने लगे। इस प्रकार उसके दो हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग करके वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह वह दो पैरों का उपयोग चलने एवं दो हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। यह हमारे पूर्वज थे जिनके कारण जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम पड़ा। अगर इनके दिमाग की बात करें तो वह एक सेब के आकार के बराबर था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये दो पैर पर चलने लगे, इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खाने लगते थे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। एक जगह पैरों पर खड़ा होने पर वो ज्यादा दूर तक देखने लगे व आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगे। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगे। इसी समय पर वह पीठ के बल भी सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी विकास तेजी से होने लगा। स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी ज्यादा स्पष्टता आती गई होगी। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करता था। साथ ही लोगों में किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसके कारण ये बहुत सी आसानी से जंगली जानवरों का शिकार बन जाया करते थे। खासकर तेंदुआ आसानी से इनको अपना शिकार बना लेते थे, क्योंकि जंगल में दोस्तों इंसान के बाद एकमात्र यही जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान भी दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। पर धीरे धीरे इनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। साथ ही अब वह धीरे धीरे ज्यादा सतर्क भी हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा भोजन की तलाश में रहा करते थे। ये आपस में झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश किया करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। इनको कपड़े का ज्ञान नहीं था और न ही किसी और चीज में इनकी दिलचस्पी थी। शुरुआत में केवल इनका पहला काम था केवल और केवल भोजन की तलाश करना। पहले ये जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने इन आदि मानव के जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन वह पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगल में आग लग गई तथा उसमें काफी पशु भी जल गए। जब इन्होंने जले हुए पशुओं को खाया तो इनको यह काफी स्वादिष्ट लगने लगा। इसके बाद से दोस्तों आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगे। बहुत से बीजधारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग की मदद से पकाकर खाने लग गए। सर्दियों में आग जलाकर ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे। अंधेरे में उजाला करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। एक बार एक आदि मानव पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उसे नुकीला बना रहा था, तभी उसमें से चिंगारे निकली थी और जब सूखी घास फूस में आग लगी, इस तरह पता चला कि ऐसे आग बनेगी। इसके बाद हमेशा पत्थरों को आपस में टकराते और आग निकालते। मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी खोज थी और सबसे पहली खोज भी यही थी जिसने इनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। इसका कारण ये है कि पहले ये कच्चा मांस खाते थे, जिसे पचाने में इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। भोजन पका के खाने से इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सुधरी। एक बार की बात है, एक आदि मानव ने फल खाकर उसके बीज को अपने रहने वाली जगह के पास की नरम मिट्टी में फेंक दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर वो जंगलों में फल, भोजन और शिकार किया करता था। फिर वो उसी जगह पर आकर सो जाता। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन वह सुबह ऐसे ही बैठा हुआ था, तब उसका ध्यान उसी बीज पर गया। उसने देखा कि उस
बीज के एक तरफ से कुछ निकल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद वह थोड़ा बड़ा होकर टहनी का रूप ले चुका था। जैसे कि उसके पास वाले पेड़ की नाजुक टहनी थी, वह आदि मानव उस पनप रहे बीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या है। लेकिन उसे रोज थोड़ा बढ़ते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती। समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन वह बीज एक पेड़ बनकर फल देने लग गया। यह देखकर वह आदि मानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर छोड़ देने से एक दिन वह फल देगा। बीजों को जमाने के लिए आदि मानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती करना शुरू कर दी। इस तरह से दोस्तों शुरू हुई थी खेती। खेती से अब आदि मानव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। दोस्तों फिर उन्हें खेतों में बैल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया। कुछ पशुओं से वह दूध भी निकाला करते थे तो कुछ को खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। अब अपनी खेती को बचाने के लिए और बाकी के जंगली पशुओं पर ध्यान देना पड़ता था। इस तरह से बाकी के आदि मानव भी खेती करने लग गए थे और अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। अब देखिए, देखते ही देखते झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर यह एक बस्ती बन गई। लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लग गए थे जिससे उन्हें खेती करनी आ गई, हंसी खुशी से जीना आ गया। खतरनाक जंगली जानवरों से बचने का उपाय उन्होंने ढूंढ लिया था। एक बार एक आदि मानव ने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा था। फिर उसने उसे देखकर लकड़ी का पहिया बनाया, जिसे दोस्तों वह गधे, घोड़े व बैल की सहायता से गाड़ी बनाने लग गए। इससे सामान ढोने में उन्हें बहुत आसानी हो गई। अब दूर का सफर भी आसान हो चुका था। पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गए थे। आदि मानव आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुकी है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, परिवहन, हवाई जहाज, इंटरनेट सब कुछ हो चुका है, जिससे मानव का जीवन बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव भी आदि मानव से मानव जीवन का विकास है। आज तक दुनिया का पहला मानव कैसे पैदा हुआ और किसने पैदा किया, इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला मानव भगवान द्वारा बनाया गया था। हिंदू धर्म में दुनिया का पहला मानव मनु को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ईसाई धर्म में दुनिया का पहला मानव आदम और हवा थे, जिन्हें भगवान ने बनाया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दुनिया के पहले मानव के जन्म के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं पाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का पहला आधुनिक मानव होमो सेपियंस लगभग 3.5 लाख साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुआ। हालांकि इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि दुनिया का पहला मानव कौन था, वह कैसे पैदा हुआ।